फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने सिस्टम की, अपनी विंडो की, प्रोडक्ट की कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं, यानी कि कैसे ढूंढ सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब आपकी प्रोडक्ट की एक्सपायर हो जाती है तो आपकी विंडो भी डीएक्टिवेट हो जाती है। और डीएक्टिवेट होने के बाद विंडो, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि विंडो हमारी डीएक्टिवेट हो जाती है तो यहाँ पर एक नीचे राइट कॉर्नर में एक निशान लिखा हुआ आता है, एक्टिवेट विंडो, गो टू एक्टिवेट विंडो लिखा हुआ आ जाता है। और जो वॉलपेपर है हमारे, वे भी चेंज नहीं हो पाती और काफ़ी सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में या फिर सिस्टम में रन नहीं कर पाते। तो कैसे पता कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूँ, आप विंडो, अपनी विंडो कैसे पता कर सकते हैं कि विंडो एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट। तो सिंपली दिस पेज पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। खाली जगह में हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। जब प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो की फुल डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर विंडो इज एक्टिवेटेड, यानी कि मेरी विंडो एक्टिवेट है। अगर ये डीएक्टिवेट होती तो यहाँ पर आता लिखा हुआ आता है विंडो इज डीएक्टिवेटेड। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सर्च बारे में आकर सर्च करते हैं, कमांड यानी कि CMND, इतना शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कमांड का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या पेस्ट करना है, तो जो पेस्ट करना है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक कर हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस है, ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, आप अपनी जो प्रोडक्ट की है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है आपको, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना है, और जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस आपको देना है। तो आप यहाँ पर पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं अगर इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट की आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं आपको यहाँ पर सेकंड मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो प्रोडक्ट की थी वो नहीं आई, तो मैं अब आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। हम अपने सेकंड मेथड आपको करना है, सर्च बार में जाकर आपको सर्च करना है रजिस्टर, REGIS। इतना सर्च करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं रजिस्ट्री एडिटर की जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर लेंगे और यस पर क्लिक कर लेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पेज रजिस्ट्री एडिटर का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको करना है थर्ड वाली जो सेटिंग्स है, लोकल मशीन्स वाली, तो आपको इस पर क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला जो सेटिंग्स है इसको ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट वाली सेटिंग को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर से नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे Windows NT। Windows NT कहाँ पर है, अब देखते हैं। Windows NT हमको मिल गया है, Windows NT पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर एक सेटिंग्स हो रहा है करंट वर्जन, इसको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको एक सेटिंग्स सर्च करनी है, यानी कि ढूंढनी है, तो उसका नाम ये रहा दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, तो हम इसको ओपन कर लेंगे, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक जो डाटा है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले ऑप्शन पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैकअप प्रोडक्ट की डिफॉल्ट। तो इसके सामने वाली ये प्रोडक्ट की है आपकी दोस्तों, ये सेकंड मेथड था। अगर आपको फर्स्ट मेथड काम नहीं कर रहा तो सेकंड मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट की को कहीं पर लिख लीजिएगा और ध्यान से रखिएगा, अगर आपकी विंडो डीएक्टिवेट होती है फिर तो आप इसको एक्टिवेट करने में ये काम आएगी। सो गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो? और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।